देश को 34 साल से एक नई एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार था और पिछले 5-6 साल से कई बार चर्चा सुनने में आ रही थी कि नई पॉलिसी बन रही है। उसके कुछ ड्राफ्ट्स रफ ड्राफ्ट्स भी बीच में आए, फिर एक फाइनल ड्राफ्ट दिल्ली सरकार को भी मिला था, उस पर भी हमने अपनी टिप्पणियाँ दी थीं और उस सब के बाद एक पॉलिसी सामने आई है। मोटे तौर पर देखें तो ये 54 पेज की पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, एक कह सकता हूं मैं, जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करता है और उसके बेस पर क्या होना चाहिए, जरूरत क्या है, उस पर बात करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है कि ये, इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चल रही हैं, चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया, उन्हीं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है। तो एजुकेशन के प्रति जो हमारी पुरानी समझ रही है और जो पुरानी परंपराएं रही हैं, उनसे दबी हुई पॉलिसी है ये। दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात की गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात की गई है, उनको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित है। पॉलिसी उस पर या तो कुछ नहीं कह रही है, या कह रही है तो ऐसा कह रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पॉलिसी मेकर्स को। सो इन नटशेल अगर मैं कहूं तो बेसिक प्रिंसिपल्स आर गुड, बट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पे पॉलिसी चुप है। भविष्य की जरूरतों को अच्छे से रखती है, लेकिन आज की व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों तक लेकर कैसे जाएंगे, इस पर पॉलिसी चुप है। तो मैं पहले कुछ ऐसी चीजें रख रहा हूं इस पॉलिसी की जो मेरी राय में अच्छी हैं और होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पॉलिसी के, कल खबर भी मिली मुझे जब आप लोगों ने न्यूज देनी शुरू की और मैंने भी इसको पढ़ा, इसमें डिसीजन लिया गया है कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं पिछले 5-6 साल में कम से कम 100 मरतबा इस बात को कह चुका हूं कि शिक्षा देने का काम मानव संसाधन विकास का काम नहीं है, मानव संसाधन केवल टूल विकसित करने का काम है, शिक्षा एक अलग काम है और शिक्षा का काम हम शिक्षा के रूप में करें, मानव संसाधन उसका एक हिस्सा है। तो अच्छी बात है कि हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय हमारे देश में होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब ये बातें कही थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हमें शिक्षा का काम नहीं लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन का थोड़ा सा काम लेना चाहिए और बाकी शिक्षा के काम करने चाहिए, तो उस वक्त ये भी कहा था नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उसकी पूरी की पूरी तासीर बदलनी पड़ेगी डिपार्टमेंट की, खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस पॉलिसी में तो दिख रहा है नाम ही बदल रहा है, काम हम अभी भी संसाधन विकास का ही करेंगे। पर फिर भी कुछ अच्छी चीज इसमें है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इसमें पहली बार मेन फ्रेम में लाने की बात कही गई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे, दुनिया के बहुत सारे देशों ने ये स्टडी की है कि 3 से 6 साल के उम्र के जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, सही समय पे सही गाइडेंस, सही नर्चरिंग मिलती है, वो आगे जाके इंटेलेक्चुअली फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो अच्छी बात है कि इन्होंने इस बात को माना है कि अर्ली चाइल्डहुड को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा माना जाएगा और उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट किया जाएगा, यह भी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि मिड डे मील के साथ साथ इसमें जिक्र किया गया है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है। एक कोर, हर एक बच्चे को आगे एजुकेशन में कोर्स चॉइस के लिए ऑप्शंस खोले गए हैं। फिजिक्स के साथ साथ बच्चा म्यूजिक भी ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है, म्यूजिक लेने वाला बच्चा मैथमेटिक्स ले सकता है, ये कोर्स ऑप्शंस खोले गए हैं, ये एक अच्छी प्रोग्रेसिव बात है। बीएड को, हाँ, फाउंडेशन ईयर में जो पढ़ाई है, मतलब नर्सरी, केजी, पहली दूसरी तीसरी तक के जो क्लास की पढ़ाई है उसको फाउंडेशन ईयर बोलेंगे, ये मदर टंग में कराई जाएगी, ये भी अच्छी बात है। इससे बच्चे की
जो वो उम्र है वो बौद्धिक विकास पे ज्यादा है, उसकी ऊर्जा खर्च होगी बच्चे की और ये अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। बीएड को 4 साल का है किया जा रहा है और जो और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको भी ऑप्शंस दिए जाएंगे 2 साल के 1 साल के बीएड करने के, वो भी अच्छी बात है। कुछ रेगुलेटरी एजेंसी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है, इस पर ये प्रयास अच्छे हैं लेकिन इस पर इसके फॉर्मेशन पे कंसर्न्स हैं मेरे जो मैं आगे रखूंगा। कुछ और अच्छी बातें की गई हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन लानी है, इजी टू अंडरस्टैंड परीक्षाएं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी गुडी बातें हम एजुकेशन के बारे में पहले भी करते रहे हैं, कोई नई नहीं है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में इनको लाना अच्छी बात है और इस पर फिर चर्चा हो सकती है। अब मैं एक एक करके इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इसमें 2 खामियां हैं। पहली खामी यह है कि ये अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है, उससे मुक्त नहीं हो पाई है, और दूसरा जो भविष्य की जरूरतों की बात की करती है ये पॉलिसी, उन तक पहुंचाएगी कैसे शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में गोलमोल है, चुप है या भ्रमित है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड, हाईली रेगुलेटेड कैसे है? ये पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा, दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा, तीसरा अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी, चौथा शिक्षा आयोग होगा राज्यों का केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा, पांचवा एससीईआरटी अलग होगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी होंगे, फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग, ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। एससीईआरटी का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है, बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है, पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग सलाह देना, फिर और उसके उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेज्ड, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनके इनके इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी, इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड है और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में ही। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है, कि साहब 6% GDP का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए, और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है GDP का वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है, पर ये होगा कैसे? 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को GDP के 6% के नजदीक नहीं ला पाए, अब कैसे ले आएंगे, इस पर एजुकेशन पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं बताती। तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं। पॉलिसी कहती है कि 10% एजुकेशन पे अभी खर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे अगले 10 साल में। कैसे लेके जाओगे भाई, केवल पॉलिसी बना के? अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? अगर इस बारे में रूल्स नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे, मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि 6% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला, कैसे होएगा? कौन परसेंट 6% पे लेके जाएगा? तो देश भर के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती, बस ये पॉलिसी में कहती है साहब 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं हम, तो अब कैसे जाएंगे, इस पे पॉलिसी चुप है। दूसरा, पॉलिसी में फंडिंग को लेके सीधी बात नहीं आती कहीं भी। पॉलिसी एक जगह कहती है कि नर्सरी से 12वीं तक, अभी जो RTI में पहली से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, कंपल्सरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए,
छह साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे कैसे होगा, फिर कर क्या रहे थे छह साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि छह साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इस पे? तो ये एजुकेशन की एक बड़ी समस्या है फंडिंग, और उस फंडिंग के बारे में कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी नहीं दे रही है। आज एजुकेशन फंडिंग की कमी का रोना रो रही है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड है, कई सारे आयोग कमेटी फलाना ढिमका और उसके बाद में कुछ नहीं। अब कुछ और प्रस्ताव है, जैसे मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर अच्छा है, 3 से 6 साल तक मेन फ्रेम में लाना, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये दो मॉडल दे रहा है जो अभी एग्जिस्टिंग है। एक मॉडल है आंगनवाड़ी का मॉडल, वहां भी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाएगी। दूसरा है प्री प्राइमरी का मॉडल, नर्सरी केजी वगैरह स्कूल है। कहने को तो कहती है पॉलिसी की साहब समान एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है और एक डीपीएस के प्री प्राइमरी में जा रहा है, दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? समान एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। एक को आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ा रही है, एक को बहुत क्वालिफाइड प्री क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रही है, तो दोनों जाने वाले बच्चों को एक स्तर की एजुकेशन की बात तो कर रही है, पर मॉडल में ही फेल है। एक आंगनवाड़ी का मॉडल है, एक प्री प्राइमरी का मॉडल है, और इसमें टीचर्स की कमी को पॉलिसी कहती है साहब इसमें टीचर एंगेजमेंट जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट पे कर लेंगे। तो आज सरकारी स्कूलों में, मैं दिल्ली की भी बात कर सकता हूँ और देश भर में हम जानते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं तो उस कम्युनिटी में ऐसे लोग कहाँ से आएंगे जो स्कूल में आके वॉलंटरी करके पढ़ा लेंगे? और गांव देहात में क्या होगा? वहां पे भी सरकारी स्कूलों में हम कह रहे हैं कम्युनिटी से लोग निकल के आके पढ़ाने लगेंगे, सारे स्कूलों में आप ले आओगे कम्युनिटी से लोग? तो चुप है इस पे। तो दूसरा ये, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है, और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पे डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। इस पॉलिसी का कोट अनकोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लिख रहा है कि प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एंकरेज्ड। ये फिलेंथ्रोपिक एजुकेशन आज सारे कोई कंपनी नहीं चलाती हमारे देश में, इसको समझने की जरूरत है इस लाइन को। एजुकेशन को जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वो ट्रस्ट के तहत चलते हैं, तो फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स ही हैं सारे, तो भाषा में एक फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स हैं। आगे वो कह रहा है कि प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एंकरेज्ड, thereby affirming the public good nature of education while protecting parents from parents and communities from usurious commercial practice। मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं होने देंगे, ये बात तो हम पहले से भी कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट स्कूल चलाया करेंगी प्राइवेट स्कूल, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो ट्रस्ट चलाया करेंगे, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज होंगी, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। उसके बावजूद एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन इतना हो गया उसी फिलेंथ्रोपिक मोड में कि आज देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये टीचिंग शॉप्स बनते जा रहे हैं हमारे स्कूल्स। वैसे में अगर हम अपनी पॉलिसी में ये रखेंगे प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एंकरेज्ड, मतलब आप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को एंकरेज करने की पॉलिसी लेके आए हो 34 साल बाद, और एक ऐसे समय में जब लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, सारी दुनिया में जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके मॉडल हमारे सामने हैं कि वहां सारे के सारा स्कूल सिस्टम सरकारी स्कूल सिस्टम पे खड़ा हुआ है, कुछ कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं मनमर्जी से, लेकिन हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग के क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल पे लोगों को छोड़ना चाहते हो, ये इस एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ है जो इस पे इन्होंने काम नहीं किया। पांचवा पॉइंट मेरा है कि ये कहते हैं कि बीएड हम 4 साल का करेंगे, अच्छी बात है,
इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर टीचर्स को क्वालिटी पे लाना चाहते हो। हम भी इसकी वकालत करते रहे हैं, मैंने भी भारत सरकार के साथ एजुकेशन की मीटिंग्स में इसकी मांग की है कि भाई जब आप डॉक्टर बनाने के लिए 6 साल की पढ़ाई करते हो, इंजीनियर बनाने के लिए 4 साल की पढ़ाई करते हो, एक छोटा सा मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी आप इंश्योर करते हो कि वो 4 साल कम से कम पढ़ के आएगा तब मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना पाएगा, इंश्योर करते हो। तो टीचिंग के लिए, टीचर बनाने के लिए आप 4 साल की पढ़ाई करो, ये हम भी मांग करते रहे हैं। लेकिन ये फ्यूचर टीचर के लिए प्रोग्राम है, इस पर ये पॉलिसी अच्छे प्रस्ताव देती है। लेकिन आज देश के 30 करोड़ बच्चे 80 लाख टीचर्स के जरिए पढ़ रहे हैं आज हमारे स्कूलों में। उन 80 लाख टीचर्स को इस पॉलिसी में अच्छी लिखी बातों, अच्छी विशफुल थिंकिंग्स को इंप्लीमेंट करने में कैसे लगाओगे, इस पॉलिसी में उसका कोई प्रोग्राम नहीं। 80 लाख टीचर्स आज आपकी इन पॉलिसी की अच्छी बातों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनके सर पे है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2011 में 2009 में हमारे देश में एक प्रयोग हुआ राइट टू एजुकेशन ला के, उसमें लिखा गया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किया जाएगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसका इवेल्युएशन होता रहेगा और फिर किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें, बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ की गई थी, लेकिन यही गलती वहां भी की गई थी। अच्छी चीजें सोची गई लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम नहीं किया गया, टीचर्स एग्जिस्टिंग टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम नहीं किया गया, तो कोई कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन नहीं हुआ, कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन नहीं हुआ, और अंत में नो डिटेंशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा विलेन बन गई, एक बहुत शानदार आइडिया एक बहुत बड़े विलेन के रूप में सामने आया, जिसको पूरे देश में माहौल बना कि इसको वापस लिया जाए। अगर आप 80 लाख टीचर्स के कंटिन्यूस उनकी क्वालिटी एनहेंसमेंट पे, उनके ट्रेनिंग्स पर, उनके एक्सपोजर पर काम नहीं करोगे और इन इसमें लिखी हुई अच्छी चीज़ों को इंप्लीमेंट कराने में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करोगे, आप फ्यूचर टीचर तो 4 साल बाद आना शुरू होगा जब आप लागू करोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी, तब तक ये 80,000 टीचर्स आपकी इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसका खाका आपने नहीं बनाया। इसीलिए मैंने कहा कि या तो पॉलिसी चुप है या भ्रमित है। फिर छठा पॉइंट मेरा है कि वोकेशनल को प्रमोट करेगी पॉलिसी, अच्छी बात है, हम भी कहते रहे वोकेशनल को, हमने तो वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है इस पे, लेकिन आज भी कर रहे हो वोकेशनल को प्रमोट, तो आप फिर आज सफल क्यों नहीं हो पा रहे? सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वोकेशनल के सब्जेक्ट्स को आपने हायर एजुकेशन में सम्मान नहीं दिया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में वोकेशनल स्कूल लेने, स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों का सब्जेक्ट कोई काउंटिंग नहीं है। स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट लेने वाला बच्चे को DU में कोई एडमिशन नहीं मिलता वोकेशनल सब्जेक्ट के आधार पर, फिर बच्चा क्यों वोकेशनल करेगा? तो वोकेशनल एजुकेशन को सम्मानित कैसे बनाओगे, बच्चे का आगे का एडमिशन का चेन कैसे खुलेगा, इस बारे में पूरी की पूरी पॉलिसी एकदम साइलेंट है कि वोकेशनल की आगे एडमिशन की चेन कैसे खुलेगी, जो एडमिशन का बड़ा बैरियर है उसको कैसे, उस रोड ब्लॉक को कैसे दूर करेगी, उस पर पॉलिसी कोई बात नहीं कहती। 7वां पॉइंट है बोर्ड एग्जाम। पॉलिसी कहती है कि बोर्ड एग्जाम को इजी किया जाएगा और बच्चों को 2 बार ऑप्शन दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता ये पॉलिसी मेकर्स को किसने समझाया कि बोर्ड एग्जाम को इजी करने की जरूरत है। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम को वो इवेल्युएट करने की जरूरत है जो पढ़ाया जाना है। पेपर कड़ा होगा कि हल्का होगा, इस पे चर्चा पे आ गए, जबकि होना ये चाहिए था कि रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता का मूल्यांकन करने की बात करते। आज सारी की सारी परीक्षा प्रणाली रटने की क्षमता का मूल्यांकन करने पे लगी हुई है, बोर्ड भी उसी पे लगे हुए हैं। तो बोर्ड को रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता का मूल्यांकन करने वाला बोर्ड कैसे बनाया जाएगा, अगर आप इस पे बात करते तो आप इजी और हार्ड का सवाल ही खत्म हो जाता। पर इसीलिए मैंने कहा था कि वो पुरानी परंपराओं और एजुकेशन की पुरानी समझ के बोझ से ग्रसित हो गई है पॉलिसी, क्योंकि पहले भी माना जाता था बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साल के अंत में 3 घंटे का एक बोर्ड एग्जाम तय करेगा बच्चे ने कैसे पढ़ाई की। आज भी आप वही कह रहे हो, आप कह रहे हो उसको पेपर को थोड़ा इजी कर देंगे, बच्चा फेल हो गया दोबारा ऑप्शन दे देंगे। अरे बच्चा वो मांग रहा है, समाज वो मांग रहा है, आज दुनिया में एजुकेशन कैसे दी जा रही है, सोचा तो होता। उस पर पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, मैं गोल भी नहीं कहूंगा फेल है, इजी करने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर में आज कंटिन्यूस इवेल्युएशन हो रहा है, बोर्ड एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह गया, बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी बोर्ड एग्जाम पर अटके हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्लो है।
आठवां पॉइंट मेरा यह है कि पॉलिसी कहती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, मतलब NTA। ये इसको ऐसे समझिए कि दूसरे देशों में SAT वगैरह एग्जाम होते हैं, SAT वगैरह के एग्जाम होते हैं, अच्छी बात है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाओगे। अब एक बच्चा जो 12वीं करके आ रहा है, आप उसकी परीक्षा, वो कह रहे हैं फिर मल्टीपल एग्जाम नहीं होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे, अच्छी बात है। तो जब आप हायर एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए नेशनल टेस्ट ले ही रहे हो तो फिर बोर्ड किस लिए ले रहे हो? ये तो डुप्लीकेशन है। फिर बोर्ड का एग्जाम किस लिए? बोर्ड का एग्जाम खत्म कर दो। मुझे लगता है इस पर चिंतन किया जा सकता था, पर जैसा मैंने कहा कि NTA भी लेंगे, बोर्ड का एग्जाम भी लेंगे, पूरी तरह से कहीं कहीं कंफ्यूज नजर आती है पॉलिसी। नवा पॉइंट मेरा हायर एजुकेशन के बारे में है, हालांकि हायर एजुकेशन को मैं और स्टडी करूंगा, जरूरत पड़ी तो फिर से आपके सामने आऊंगा हायर एजुकेशन के पॉइंट्स को लेके, पर फिर भी एक प्राइमरी फेस अध्ययन मैंने किया है, हमारी टीम ने किया है। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि साहब मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे, MDHEI, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और ये कह रहे हैं कि अगले 15-20 साल में देश के सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बना देंगे। आज का मॉडल क्या है ये समझ लीजिए, आज का मॉडल है एक तरफ हमारे सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बनारस यूनिवर्सिटी और देश की बहुत तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, IP यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें MBA भी कराते हो, इंजीनियरिंग भी कराते हो, इकोनॉमिक्स में भी कराते हो, बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स के कोर्स भी कराते हो सब कुछ। आज लेकिन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज भी हैं, DTU भी है, IIT भी है। अब आप क्या कह रहे हो, देश के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे मैंडेटरी। यहां भूल कर रही है पॉलिसी, दोनों चीजों की जरूरत है, मल्टी डिसिप्लिनरी की भी जरूरत है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को और रिच करो, उनकी संख्या बढ़ाओ, लेकिन ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है इनको बर्बाद मत करो। आप कह रहे हो कि IITs में तो हम एक्टिंग भी सिखाएंगे और FTIM में इंजीनियर भी पैदा करेंगे, ये कैसे होगा? फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्टर्स देता रहा है देश को, IIT देश के इंजीनियर्स देता रहा है, आप कह रहे हो सबको मल्टी डिसिप्लिनरी बना देंगे तो IIT में एक्टिंग सीखा करेंगे लोग आके और FTIM में जाके लोग इंजीनियरिंग सीखा करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की दुनिया भर में इंपॉर्टेंस है। आज बर्कले का म्यूजिक कॉलेज देख लीजिए, बिजनेस कॉलेजेस देख लीजिए, MIT जैसे कॉलेजेस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस देख लीजिए, वो सारे सेक्टर स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं। हम पता नहीं किस रोमांटिसिज्म में आ गए मल्टी डिसिप्लिनरी के, कि सारा कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप करिए और अच्छा करिए, अभी भी एग्जिस्टिंग है, लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उनको तो बर्बाद मत करिए। ऐसा कैसे होगा कि IIT दिल्ली में कल जाके एक्टिंग की क्लास शुरू हो जाएगी और FTIM में जाके इंजीनियरिंग की क्लास शुरू हो जाएगी, IIM में जाके मेडिकल की क्लास शुरू हो जाएगी और एम्स में आके बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा? तो ये तो बर्बाद कर देगा। इस देश में प्रतिभाओं को निकालने का काम किया इन संस्थानों ने, बड़े बड़े सेक्टर स्पेसिफिक संस्थानों ने, अगर हम अपने इस रोमांटिसिज्म में इनको बर्बाद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये क्या विजन है पॉलिसी में? ये तो इसीलिए मैंने कहा कि कई जगह भ्रमित है। दूसरा, मैंने BVOC के लिए कहा, एक जगह पॉलिसी बात करती है BVOC की, वोकेशनल एजुकेशन की कई जगह बात करती है, लेकिन आज बच्चा BVOC में नहीं जाना चाहता। हमने भी 9 कॉलेज शुरू किए BVOC के, नहीं जाना चाहता बच्चा, कम बच्चे जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहता मैंने पता किया, बोला साहब क्या करेंगे जाके? देश भर में नौकरियों के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, RRs हैं, उसमें BVOC की कोई मान्यता नहीं है। आज एक BVOC करने वाला बच्चा IAS का नहीं बन सकता। आप कहने को तो कहते हो बैचलर ऑफ वोकेशनल, प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया और वोकेशनल की बात करते हैं, पॉलिसी कहती है साहब BVOC को बढ़ाएंगे, हम वोकेशनल को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक BVOC करने वाला बच्चा, वोकेशनल में बैचलर की डिग्री लेने वाला बच्चा, अगर आप उसको कहोगे नहीं जी तुम बैचलर तो हो पर वो वाले नहीं हो जिसको हम IAS बना सकते हैं, वो वाले नहीं हो जिसको हम UPSC एग्जाम दिला सकते हैं, फिर काहे को बढ़ावा दे रहे हो यार, किसको आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? तो BVOC के साथ इनजस्टिस करती है, पूरी की पूरी वोकेशनल स्ट्रीम के साथ में बहुत वो करती है। आखिरी पॉइंट मेरा क्रिटिकल ये है, पूरा का पूरी पॉलिसी में स्पोर्ट्स मिसिंग है। मुझे नहीं पता क्यों, हो सकता है स्पोर्ट्स की अलग पॉलिसी बना रहे हों, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स का शामिल नहीं होना आश्चर्यजनक तथ्य था मेरे लिए।
मिसिंग था, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था जब मैं अपने कमेंट्स देने गया था, आज भी कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें रखी, 10-11 पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल रखे इसको लेके, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये पॉलिसी देश को कोई दशा और दिशा नहीं दे पाएगी, देश की दिशा एजुकेशन को और कंफ्यूज करेगी और कई जगह तो और डैमेज करेगी। करना क्या है, मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेकर आया, मैं 3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो यह कि अगर आप एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं तो आप सबसे पहले फंडिंग को लेकर कानून बनाओ। बहुत हो गया 1966 से बात करते करते पॉलिसी में, अगर हमारे देश में फिस्कल डिफेसिट को लेकर कानून हो सकता है, अगर यह तय हो सकता है कि देश का राजकोषीय घाटा इससे कम नहीं होगा, तो फिर एजुकेशन बजट को लेकर भी कानून हो सकता है। अगर आप एजुकेशन की मतलब आप सरकार का घाटा कितना होगा इसको तय कर सकते हैं कानून बना के कि इससे नीचे का घाटा नहीं करने देंगे, तो आप एजुकेशन का बजट का कानून क्यों नहीं बना देते? इस पॉलिसी में लिखने से बजट नहीं आएगा, आपको बजट का कानून बनाना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य सरकार सब की सब 6% ऑफ GDP एजुकेशन बजट पे कम से कम खर्च करेंगी, ये मैंडेटरी होगा देश में। जब तक ये कानून नहीं बनाओगे, इस पॉलिसी में लिखी हुई बातें ख्याली पुलाव हैं। मिड डे मील के लिए पैसा कहां से लाओ, इतने सारे टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट कहां से करोगे, पैसा ही नहीं है आपके पास में। दूसरा, एग्जिस्टिंग जो टीचर्स हैं उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिलवाइए। जब तक आप अपनी 80 लाख टीचर्स को इग्नोर करते रहोगे, उसको इनजस्टिस करते रहोगे उसके साथ, उसको आप नए टीचर्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग कराइए, अच्छे बीएड प्रोग्राम चलाइए, लेकिन एग्जिस्टिंग टीचर को दुनिया दिखाइए, उसको दुनिया के एजुकेशन सिस्टम दिखाइए, देश के अच्छे एजुकेशन सिस्टम दिखाइए, उस पर पैसा खर्च करिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ें दुनिया मतलब जो अच्छे एजुकेशन प्रैक्टिसेस दुनिया भर में हो रही हैं उनको अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने टीचर को भेजिए वहाँ। हमने दिल्ली में प्रयोग सफलतापूर्वक किया और चल रहा है, तो आप उसको पॉलिसी में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मैं मेरे सजेशंस में है कि ये ओवर रेगुलेशन के मोह माया से बाहर निकलिए। हम ये कमीशन बना देंगे, ये डिपार्टमेंट बना देंगे, ये डायरेक्टरेट बना देंगे, वो कमेटी बना देंगे, और फिर वो कमेटी बैठ के एग्जामिन करेगी, वो कमेटी बैठ के तय करती रहेगी, इससे नहीं चलेगा। टीचर्स को स्वायत्तता दो, स्कूल इंस्पेक्टर से और उनकी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया कर दो कि उसको स्कूल इंस्पेक्टर की जरूरत ही ना पड़े, स्कूल इंस्पेक्शन सिस्टम खत्म कर दो। अच्छा होता कि आज हम जब 2020 में खड़े हैं, हम खड़े होकर कह रहे होते हैं हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि सरकारी स्कूल सिस्टम बहुत बढ़िया चलाएंगे हम, और हम स्कूल इंस्पेक्टर सिस्टम खत्म कर देंगे, ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा कर देंगे, फंड इतना लेके आ जाएंगे। प्रोफेशनल्स को जगह दो एजुकेशन सिस्टम में, और उनको पैरेलल सिस्टम्स में मत खड़ा करो, एक आयोग बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो ये मतलब फंड्स सुनिश्चित करो, टीचर्स की शानदार ट्रेनिंग सुनिश्चित करो, और ओवर रेगुलेशन खत्म करो। ये इस पॉलिसी में होने चाहिए थे, वो तीनों नहीं है। अभी भी वक्त है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से भी और उनको लिखूंगा भी कि आप इसको ठीक कर लीजिए, ये अगले 20-25-30 साल के लिए पॉलिसी बन रही है, ऐसा मजाक मत करिए देश के साथ। थैंक यू।